अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने अक्सर अपने वीडियोस में ये कोशिश की कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं ताकि आप ज़िंदगी में कुछ करें। जैसे कि जो मेरे दोस्त हो या जो भी ये वीडियो देख रहा है जिसकी एज 25 से या 28 तक है, वो देख 25 से या 28 तक है वो देख रहा है, तो मेरे जो वीडियोज़ है वो ज़्यादातर उनके लिए ही है। क्योंकि अभी तक जिसने अभी ज़िंदगी में कुछ स्टार्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो वो अभी भी वेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वेट मत करो, वेट करो, बट आपको जो एफर्ट्स लगाने हैं वो नहीं लगाते हो, बट वेट करते हो। किसके ऊपर वेट करते हो वो मालूम नहीं है। ये मेरा जो भी मेरे वीडियोज़ थे, मैंने अक्सर उनमें ये मेंशन किया कि आप काम शुरू करें या कुछ बिजनेस करें या जो भी आपका जो पेशेंस है या ये ड्रीम्स है वो डिज़ायर्स है वो पूरा करें, ताकि आप ज़िंदगी में कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। और आप जब आपकी शादी हो तो आप अपने बच्चों को अपने आप को डिफ़ाइन कर सकोगे उनके सामने। असल में यही है, जब आपकी शादी होगी तो आपके बच्चे भी होंगे ना, ऑब्वियसली। तो जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा हमारे लिए आपने क्या किया, या आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, या आप उस टाइम में जब आपके बच्चे होंगे तो आप उस टाइम उनको ये नहीं बोल सकते हो कि आप कोशिश नहीं करते। जब आपने खुद कोशिश नहीं की, जब आपने खुद अपना जो आपके स्ट्रगल पार्ट था, जब उस टाइम आपने कुछ कोशिश ही नहीं की, तो आप किस तरीके से अपने बच्चों को बोलेंगे कि आप कुछ करिए अपनी लाइफ में? तो जब तक आप खुद मोटिवेट ना हो, तब तक आप किसी और को मोटिवेट कर ही नहीं सकते हो, और अपने बच्चों को भी मोटिवेट नहीं कर सकते हो। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, मेरा भी नहीं करेगा। जब अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं इस तरीके से मैं कुछ हासिल नहीं करूँगा, ये नहीं हासिल करूँगा, तो ये मेरी सोच ही गलत है, तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे कि मैं अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ फेसबुक पे या यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ। मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं सक्सेस मिलेगा। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। आपका जो भी डिज़ायर है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी आप करते हो, आपको ये चाहिए कि मैं किस तरीके से अपने आप को डिफ़ाइन करूँ उस हालात में, उस टाइम में, मैं जब मेरे बच्चे होंगे उस टाइम में मैं अपने आप को किस तरीके से उनके सामने डिफ़ाइन करूँ। ये आपको सोचना चाहिए। अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो आप बाद में आपके जो बच्चे हैं वो आपको यही सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है ज़िंदगी में। जब आपकी ज़िंदगी जब 28 ईयर्स की है, अभी आपने कुछ किया ही नहीं है, तो 34 साल की उम्र में आप शादी करोगे या 40 साल में या 50 साल में आपका जो बच्चा है वो बोलेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया, जब आप कुछ करते ही नहीं हो। अगर आपके पास कुछ है तो स्टार्ट करो। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, चलता सब कुछ है, बट कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी वसलम, अस्सलाम वालेकुम।